जब मैं महाभारत पढ़ता था तो मेरे मन में एक प्रश्न उपस्थित होता था, कितना बड़ा धर्म संसद, जहाँ पर इतने बड़े शूर महारथी एक साथ विराजमान है, जहाँ पर भीष्म पितामह है, गुरु द्रोणाचार्य है, कृपाचार्य स्वयं उपस्थित है, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव सभी के सभी यहाँ पर मौजूद है, फिर भी उस धर्म संसद के अंदर महारानी पांचाली का अपमान हो कैसे जाता है और सभी मौन होकर देखते कैसे रह जाते हैं। और आखिरकार इस प्रश्न का उत्तर मुझे आज मिल ही गया। इसी भारत भू के अंदर एक नारी का अपमान किया जा रहा है, उसे बलात्कार करने की धमकियां दी जा रही है, फिर भी इस देश के अंदर भीष्म पितामह मौन धारण किए हुए हैं। गरुड़ द्रोणाचार्य ने तो अपनी आंखों को नीचे कर लिया है, गांडीव रखने वाला अर्जुन वहीं पर खड़ा है, लेकिन अब प्रतीक्षा है तो केवल एक कृष्ण, और वो कृष्ण सम्माननीय राजसाहेब ठाकरे है, जिन्होंने नकुल शर्मा का खुलेआम समर्थन किया। ना कि बीजेपी की कौन सी विधाता ने, ना कि कौन सी सांसद ने, नकुल शर्मा त्या बोलल्या, त्याला काढून काय टाकलं, माफी काय मागितली सगळ्यांनी, मी बाजू घेतली त्याची।